सुनील जाखड़ के बयान से कांग्रेस के कलेश जारी है। तो हूँ साबका सीएम चरणजीत चन्नी के वालों निशाना साधा गया, कह रहे हैं कि जाखड़ ने गरीब ते दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है। नाल ही जाखड़ ने बयान के जरिए पार्टी नूं नुकसान पहुंचाया है। तर चरणजीत चन्नी के वालों इन्हों लफ्जा का प्रगटावा किया गया। चरणजीत चन्नी ने राहुल गांधी के नाल भी मुलाकात की, तो चोन नतीजों तो बाद पहली मुलाकात सी। तो पहली बार मुलाकात चोन नतीजों तो बाद राहुल गांधी के नाल चरणजीत चन्नी के वालों की गई। तो साबका मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के वालों जाखड़ की मानसिकता से सवाल जो चुके गए, उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ का बयान जो है वो गरीब ते दलित विरोधी मानसिकता दर्शाता है। तो गरीब ते दलित विरोधी मानसिकता जाखड़ के वालों दिखाई गई है। जाखड़ ने बीते दिन बयान दिता से जिस तो बाद मामला पूरा भाकिया है। तो इस लैके हूँ कांग्रेस के अपने नुमाइंदे ही एक तरह के नाल निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो चरणजीत चन्नी के वालों भी जाखड़ के बयान से एतराज जताया गया, तो नाल ही उन्होंने निशाना साधया। उन्होंने कहा कि गरीब ते दलित विरोधी मानसिकता जाखड़ के वालों दिखाई गई। मेरे नाल चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद ने, राहुल गांधी नाल मुलाकात करके आए ने, उन्होंने गल करते हैं। चन्नी साहब मुलाकात हुई है राहुल गांधी नाल, कितना मुद्दों पर चर्चा हुई है? ये कोई इस तरह के मैं इलेक्शन तो बाद मिलिया नहीं सी, उन्होंने सिंपल मिलना आया सी, ते मिल के जा रहे हैं। की मुद्दा रहा कि पंजाब दी कांग्रेस नूं लैके, क्योंकि पीसीसी बनना है, सीएलपी बनना, उस नूं लैके कोई गलबात हुई? जब कोई मिलता है तो कुछ गल्लां भी होंदियां, तो पार्टी दी जिहड़ी इंटरनल गल्लां होंदियां उन्होंने बाहर नहीं कर सकते। जाखड़ साहब बड़े निशाने साध रहे हैं, हालांकि उन्होंने, मैं ही उन्होंने इंटरव्यू कर रहा, उन्होंने जो ये गल कही उन्होंने कहते हैं कि मैं उस इंटरव्यू जो मेरा कॉन्टेक्स्ट सी वो कॉन्टेक्स्ट मेरा G23 नूं लेके सी, उन्होंने ये कहना सी, उस तो बाद उन्होंने माफ़ी भी मंगी है। नहीं नहीं, उन्होंने नाल वो सारी गल मेरे ते दलित समाज ते गरीब लोगों के प्रति नूं निशाना बना के कीती है। और मैनू जिन्ना मर्जी कुछ कहण, मैं उन्होंने कदे गल का जवाब नहीं दिता। हालांकि बहुत थले स्तर ते गिर के उन्होंने मेरे ते एलीगेशन लगाए है जिहड़ा दी कोई बुनियाद नहीं है, पर मैं कदे बोलिया नहीं है। लेकिन अज उन्होंने पूरे दलित समाज नूं और गरीबां नूं जुत्ती ते बिठाउण दी गल कीती है कि इन्हां नूं सिर ते नहीं बिठाया जा सकदा, जुत्ती ते बैठण दे काबिल बंदे हैं। ये जिहड़ा कीता है ये बहुत ही निंदनयोग है और इहदा बहुत भारी रोस पाया जा रहा है। माफ़ी उन्होंने मंगी, एक्सैप्ट करते हो, मानते हो उन्होंने उस माफ़ी? केड़ी माफ़ी मंगी है, किस तों मंगी है? वो पूरे समाज तों, लोकां तों माफ़ी मंगण, गरीब लोकां तों माफ़ी मंगण जिन्हां नूं जुत्ती पर बिठाउण दा गया। ये 100 साल पहला भी नहीं सी हुंदा, ये उस टाइम की सोच है जिहड़ी अज मानसिकता उन्होंने जिथे खड़ी है। जदों दलितों के खिलाफ जे वह टोभे तो खूह तो पानी पीते सी तां उन्हां नूं सज़ा दित्ती जांदी सी, जे वह बाणी सुन लैंदे सी तां कन्नां च सिक्के पा दित्ते जांदे सी, अखां कढ दित्तियां जांदियां सी। उस टाइम की सोच अज ये पाली बैठे है। जनसा वो कहते हैं कि तुसी चिट्टी चादर लैके तुसी आप नहीं हारे, तुसी पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी पार्टी तुसी हरा दी, तुहाडे भाजे दे घरों 10 करोड़ रुपया कहते हैं बरामद होया। देखो इदा है, एलीगेशन लगाने मैं बहुत लगा सकता उन्होंने, लेकिन मैं इस तरह की सोच का बंदा नहीं। मैं पार्टी के डेकोरियम च रहन वाला बंदा, मैं शराफत दे नाल अगे वधदा। लेकिन उन्हों का जिहड़ा बयान सी बहुत ही तरीके दे नाल, इंटैलीजेंट तरीके नाल देना कि जी 42 MLA मेरे नाल सी तां मैं इस करके नहीं बनाया कि मैं हिंदू सी, वो हिंदू लोगों को पार्टी के नाल तो तोड़न वास्ते एक साजिशाना बयान सी जिदे विचों कामयाब होए। लेकिन वो MLA ही नहीं सी तां उन्होंने CM कित्थे ते बनाना सी, 80 MLA सी साडे कोल, क्या उन्हां च कोई बंदा भी काबिल नहीं सी? उहदे विच भी 15-20 हिंदू सी, ब्रह्मिंदरा जी सी, राणा जी, KP जी सीगे, आशू जी सीगे, सिंगला किन्ने ही बंदे सीगे, सोनी जी सीगे, उन्हां चों बना सकदे सी जे बनाना हुंदा। लेकिन ये सारा कुछ एक षड्यंत्र दे नाल उन्होंने पार्टी नूं हराउण वास्ते। ये सन साडे नाल चरणजीत सिंह चन्नी, जिहड़े कि सीधे तौर ते सुनील जाखड़ दे उत्ते सवाल चुक रहे ने, नाल ही वह कह रहे हैं कि पार्टी नूं हराउण वास्ते सारी साजिश रची गई। कैमरामैन जगदीश दे नाल हरप्रीत सिंह, PTC News दिल्ली।